मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज टीकमगढ़ में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में वन क्लिक पर 5,07,000 किसानों के बैंक खातों में भावांतर के 697,66,00,000 रुपए का एक साथ भुगतान किया। किसानों के इसके प्रमाण पत्र भी वितरित किए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने राजधानी भोपाल स्थित करोंद कृषि उपज मंडी में जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में किसानों को भावांतर की राशि के प्रमाण पत्र वितरित किए। भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत जो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है कि 3 राज्यों की कृषि उपज मंडियों के रेट जो होते हैं, उनके वेरिएशन होता है, परिवर्तन ही होते हैं, उनको समेकित करके समय समय पे हम लोग भाव का जो अंतर है उसका आकलन करेंगे। 4,000 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए आरक्षित की हुई है। जो भी भाव में अंतर आएंगे तो किसान की दुख, उसकी व्यथा, उसका कष्ट, उसकी पीड़ा, कम भाव मिलना, ये सारी बातें जो है किसान के लिए काफ़ी दुखदायी भी होती हैं, कष्टकारी भी होती हैं। सब बात को दृष्टिगत रखते हुए राज्य ने, हमारी कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री ने ऐसी योजना बनाई जो देश में कहीं नहीं है। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि लगभग इसमें दोनों समय का मिला के 1,000 करोड़ रुपये के लगभग हम दे चुके हैं। अब अगले चरण में जो कुछ भी राशि होगी। गौरतलब है कि 16 से 31 अक्टूबर के बीच 6 जिलों के 1,28,000 किसानों को 136,75,00,000 रुपए की भावांतर राशि का भुगतान किया जा चुका है। अब शेष 45 जिलों में किसानों को एक साथ भावांतर की राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन आकाश बैरागी के साथ राम पवार की रिपोर्ट।